क्षारकर अधातव ऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया हेले कौन सृष्टि हुए मन रख सब क्षारक अधातव ऑक्साइड सहित प्रतिक्रिया कले गोटे लवण टे दब ता सहित जल सृष्टि कर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रे एग्जांपल टे देछि एटा अधातु रे ऑक्साइड टे गैसियस फॉर्म रे क्षारक होउछि तमरो किए सोडियम हाइड्रोक्साइड तार आक्वस सॉल्यूशन सहित यदि प्रतिक्रिया करा जीव ताले सोडियम कार्बोनेट सृष्टि हम तार लवणटे द्रवण अवस्था सृष्टि हम ता सहित जल सृष्टि हम आ गोटे एग्जाम्पल आम देपर पूर्व सेक्शन रे आम पढ़ीचे गोटे कार्बन डाइऑक्साइड कन्फर्मेशन टेस्ट आम पढ़ी चून पानी रे अंगारकामल गैस प्रवाहित कले चून पानीटा पीले गोटे क्षारकटे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी अंगारकाम्ल सहित प्रतिक्रिया कले कैल्शियम कार्बोनेट सृष्टि होउछि ता सहित जल सृष्टि होउछि एटी जो दुटा एग्जांपल देली सोडियम कार्बोनेट आ गोटे देली कैल्शियम कार्बोनेट दुटा प्रोडक्ट जो बाहरुछि ई सब प्रोडक्ट गुड़ाक सॉल्युबल नुहंती द्रवणीय नुहंती पानी कैल्शियम कार्बोनेटटा धला अवक्षेप सृष्टि करुछि जोटि सोडियम कार्बोनेटटा रो जलीय द्रवण सृष्टि होउछि तेणु अधातव ऑक्साइड सब बेले क्षारक सहित प्रतिक्रिया कले गोटे लवण सृष्टि करिवो ता सहित जल सृष्टि करिवो मन रख तेणु आप हमें गोटे परीक्षा करिया को पड़िवो परीक्षाटा पूर्व परीक्षार जो कन्फर्मेशन टेस्टा करते देख तुम्हें जदि सोडियम कार्बोनेट को लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया कर कौन सृष्टि हम अंगारकाम्ल गैस सृष्टि हम तेणु तुम अधातु ऑक्साइड टे पाइल ये अधातु ऑक्साइड अंगारकाम्ल गैसटा तुम डेलीवरी ट्यूब बा निर्गम नली वायुर निम्नमुखी अपसारण पद्धति निष्कासन हम तार प्रतिक्रिया क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित केमती घटुची जानिया को आम जी चाहिबा ताले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चून पानी जोटा कौच ता अंगारकाम्ल गैस को जी प्रवाहित कर जो गैस बाहर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे कि बुदबुद बाहर दिजकर संस्पर्श से गोटे नुआ पदार्थ सृष्टि हम धला अवक्षेप सृष्टि हम कैल्शियम कार्बोनेट ये लवण ता सहित जल सृष्टि हम है तुम ये कैल्शियम कार्बोनेट छेना छिंडला भाया देखिपर जोटी चून पाटा गोटे गोटे जौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझिपार तेणु ये तुम्हें कम परीक्षार पड़े तुम लिखिपर अधातु ऑक्साइड सहित क्षारकर प्रतिक्रिया को अच्छा बर्तमान के प्रश्न जदि बुझल मुझे पचार भी सी कह पीतल आंबा ये दीटाक पात्र कहीं दही आउ खटा जिनस रखा जाए ना आम एत गुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया शिखिले क्षारकर आम्लर ताल मत कह पीतल तंबा पात्र रे दही खटा जिनस कहीं रखा जाए ना किए कहीपर दिगंत कहलु
पीतल तंबा पात्र रे दही कि खटा जिनस काहे रखा जाए ना। शुभम कहलु किसी भाभी पार न। अनिश कहलु मुंड को किसी आईडिया आसुनी। राजेश कह तले खुशी कह खुशी कोई पार ना किए कही पार अम्ल अच्छी दही आटा एम अम्ल अच्छी नुह एम पदार्थ अम्ल तो अम्लीय पदार्थ अम्ल हाँ से गुड़ी पीतल टा हूँ तंबा दस्तारे तैयारी धातव पदार्थ तंबा भी धातव पदार्थ धातव पदार्थ अम्ल उपस्थित रे कौन रासायनिक प्रतिक्रिया करे लवण जल बाहर तेणु ये धातु गोटे लवण सृष्टि हम ता सहित जल सृष्टि हम से लवण टा धातु को कौन कर क्षय करी सृष्टि कर तेणु पीतल तंबा एक रे क्षय हम से पदार्थ टा आम शरीर भितर को जीव आम क्षति पहुंचाइब है ना नहीं दही भी रासायनिक परिवर्तन घटिबो स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक पीतल तंबा पात्र क्षय हवा को आरंभ कर ये दुटा मुख्य कारण पीतल तंबा धातु कदापि दही कि खटा जिनस रखना हला। नेक्स्ट प्रश्न गोटे अम्ल गोटे धातु सहित तो रासायनिक प्रतिक्रिया कले साधारण तो कोई गैस सृष्टि हुए समीकरण कौन दब जने को ZN plus H2 सफर नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या सहित सोडियम आ गोटे प्रश्न अच्छी गोटे धातव जौगिक ए
लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी बुद्बुदन सृष्टि करे। निर्गत गैस टी मोमबत्ती को लिभेई दिए। उत्पन्न होउतबा जौगिक मध्यरु गोटे कैल्शियम क्लोराइड हेले यार रासायनिक प्रतिक्रिया तुम समतुल सह लेख। बढ़िया प्रश्न किए कर गोटे मिनिट समय दौरान कौन है करीन। अच्छा बुझिपारुन। गोटे धातव जौगिक ए धातव जौगिक मानते कौन गोटे धातु हेत तार गोटे हाँ तार गोटे जौगिक हेत कौ जौगिक प्रथम आमको जानवाक पड़ कौ जौगिक लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रतिक्रिया कर लिभौतिबा गैस होची अंगारकामल। अंगारकामल सृष्टि करे कार्बोनेट नहले बाइकार्बोनेट नहे कार्बोनेट किंबा बाइकार्बोनेट। यदि प्रोडक्ट रे कैल्शियम क्लोराइड बाहर तमें कैल्शियम रो कार्बोनेट कि कैल्शियम रो बाइकार्बोनेट हेतिबो बुझी पारुछ। तेणु तुम कैल्शियम कार्बोनेट पाइल। लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड रु कौन क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड सृष्टि होगा। तेणु एथर पूरा समीकरण टा कौन हम देखा देख ताले जौगिक जो ए सेटा निश्चित जेतु अंगारकाम्ल बाहर से कहार गोटे कार्बोनेट हेतु ना कहार गोटे बाइकार्बोनेट हेतु डाण पटे सृष्टि होती कैल्शियम क्लोराइड तेणु से जौगिकटा कैल्शियम कार्बोनेट रही ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट रही तेनाली दिटा भितर गोटे देखा ब्लैक बोर्ड से क्या सहित रिएक्शन कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित तेणु प्रोडक्ट हूँ कैल्शियम क्लोराइड से गोटे आगे गैस कहला कौन अंगार काम आम इक्वेशन अनुसार आ गोटे प्रोडक्ट आम छाड़ पार्थ आ गोटे प्रोडक्ट कौन बैलेंस कर दे पारिबो तुम एटा को नै बैलेंस करो एटा को नै बैलेंस करो गोटे बैलेंस इक्वेशन टा तुम लिखि पारिबो राइट तेणु ये उत्तर टीपी नै पारिबो जहाँ असुविधा है देखा कर बालांस तुम निजे कर नेक्स्ट तापर देखिबा आम अम्ल आउ क्षारकर रासायनिक धर्म जानले ताले सब अम्ल एका प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि कर सबुजाक क्षारक भी एका प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया करते एग्जाम्पल देखे आम जेकोसी अम्ल ले एका प्रडक्ट दूसरी तेल सब अम्ल भितर कौन गोटे सामंजस्य रही निश्चित सब क्षारक मध्य भी किसी सामंजस्य रही आम देखिले अम्ल गुड़िक धातु सहित प्रतिक्रिया करी तुम कौन सृष्टि कर बर्तमान देखिले बा हाइड्रोजन हाइड्रोजन निश्चित सब अम्ल हाइड्रोजन गैस अच्छी सॉरी हाइड्रोजन मौलिक अच्छी सब अम्ल हाइड्रोजन मौलिक रहुची उल्टा प्रश्न टा मुझे पचारि
हाइड्रोजन थिबा समस्त यौगिक गुड़िक अम्लीय अटंती कि ना अम्ल कि तेणु ताकू जानिबा पे हम गोटे परीक्षा करिया को पड़ियो ताकू जानिबा पे हम गोटे परीक्षा करिया को पड़ियो देखो तुम जो सांपल लियो ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड समस्त फॉर्मूला मु लिखी दे फॉर्मूला बहरे ना तुम लिखी दे पार फॉर्मूला को तुम लक्ष्य कले देख ग्लूकोज रे तुम हाइड्रोजन अच्छी नहीं अल्कोहल रे हाइड्रोजन अच्छी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रे हाइड्रोजन अच्छी सल्फ्यूरिक एसिड रे भी हाइड्रोजन अच्छी ये समस्ते हाइड्रोजन रखी ये माने कौन समस्ते गोटे गोटे अम्ल हे कि तेणु ये परीक्षा करने मत गोटे बिकर नवाक पड़ो बिकर भितर गोटे कर्क दिटा लुहा कंटा रखी समांतर आकार लुहा कंटार अन्य अग्र दुईटी को दुईट परिवाही तार करी ना गोटे को बैटेरी युक्त विजुक्त अग्र सहित संयुक्त कली यहाँ विजुक्त अग्र सहित संयुक्त कली अन्य लुहा कंटा को मु कौन करी ना बैटेरी युक्त अग्र सहित यथाक्रमे गोटे विद्युत बल्ब आउ स्विच को पंक्ति रे संयुक्त करी वर्तमान ये जो चारोटी सैंपल मु नेली ग्लूकोज अल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये समस्त को मु कौन करी ना थरे थरे ए बीकर मझे ये द्रवण गुड़ा को नहीं स्विच टिपी स्विच ऑन करी देखिबो केतेक क्षेत्र रे स्विच टिपिला क्षण विद्युत बल्ब टी जळे उठिबो आउ केतेक क्षेत्र रे विद्युत बल्ब जळिबो नाही तमे जदि परीक्षा टी कर ताहले कण हबो ना ग्लूकोज द्रवण रे विद्युत प्रवाह कला बळे विद्युत बल्ब जळिबो नाही अल्कोहल रे विद्युत प्रवाह कले विद्युत बल्ब जळिबो नाही मात्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ सल्फ्यूरिक एसिड रे विद्युत बल्ब जळिबो मन रख हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ सल्फ्यूरिक एसिड रो विद्युत परिवहन बा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आउ सल्फ्यूरिक एसिड रो द्रवणटा विद्युत परिवहन करूथिबारु विद्युत बल्ब टी जळिला मात्र ग्लूकोज आउ अल्कोहल रो द्रवण विद्युत परिवहन करे नाही तार कारण मेकानिजम जदि भितर को तुम जीव जानव द्रवण भितर जदि कणिका गुड़िक आयन आकार चार्ज कणिका आकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बा विद्युत स्रोतर प्रभाव गोटे मुंडरु आ गोटे मुंड को घटिबो ना कारण दिटा परिवार भितर किसी कनेक्शन ना परिवार भितर परिवाही भितर कनेक्शन हो कौन द्रवण द्रवण टी विद्युत परिवहन करिवो जदि ता भितर आयन थाए ता माने ए माने जल रे द्रवीभूत हेले आयन देबे नाही ग्लूकोज आउ अल्कोहल किंतु ए अम्ल दिटा क आयन देबे तले की आयन दियंती देखिबा गोटे सेकंड कोन के मेसेज बला तले अम्ल अम्ल दुटा जाक विद्युत परिवहन करिवे काहेकि ना तांकर जलीय द्रवण रे से आयन रे परिणत हो जाती तेणु आयन गुड़िक द्वारा द्रवण मध्य विद्युत स्रोत परिवहन हुए मात्र अल्कोहल आउ ग्लूकोज रो द्रवण विद्युत परिवहन करती ना कारण से माने जल रे आयन दियंती ना बुझल नेक्स्ट तेणु गोटे सेकेंड प्रॉब्लम सेमती तमें
अम्ल परिवर्ते केतक क्षारक नहीं पार उदाहरण स्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड परीक्षा नहीं पार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दुटा क्षारक को लेकिन से परीक्षा को पुनर्वार कर से फलाफल देख ये हाइड्रोक्साइड बा क्षारकर द्रवण गुड़िक विद्युत परिवहन कर तब से उपनीत हो अम्ल लवण भी मन रख जलीय द्रवण विद्युत परिवहन करे लवण टा आम पढ़ा ताले अम्ल गुड़िक आम एपनीत हेले कौन ना अम्ल गुड़िक आयन अम्ल गुड़िक जल रे द्रवीभूत आयन दौची क्षारक गुड़िक भी जल रे द्रवीभूत आयन दिखे उभय युक्त विजुक्त चार्ज आयन से परिणत हो जाती आउ जेतु अम्ल गुड़ाक हाइड्रोजन अच्छी तेणु से हाइड्रोजन प्लस बा हाइड्रोजन प्लस काटायन आयन दिं क्षारक गुड़िक सेमती हाइड्रोक्साइड आयन ओएच माइनस आयन हाइड्रोनियम आयन सरी हाइड्रोक्साइड आयन से माने प्रदान करती क्षारक गुड़िक जल द्रवीभूत कहीं ओएच माइनस ओएच हाइड्रोक्साइड अच्छी बुझिपार तापर देखिबा जलीय द्रवण रे अम्ल क्षारकर जलीय द्रवण रे पिला गोटे सेकंड एबे देखिबा जलीय द्रवण रे अम्ल आउ क्षारकर कौन घटे तमको जो गोटे पूर्व एक्सपेरिमेंट कराई देख जलीय द्रवण रे अम्ल क्षारकर कौन घटी ताको जानिया पे हम प्रथम परीक्षा करने को पड़ो तुम गोटे टेस्ट ट्यूब नियो टेस्ट ट्यूब रे किसी सोडियम क्लोराइड रख सोडियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब रे थी बेले तुम गोटे गार्ड सल्फ्यूरिक एसिड कोनिकल फ्लास्क रु धीरे धीरे ढाल ढाले कौन हम ना से भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घट का भितरे ना सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड भितर रासायनिक प्रतिक्रिया घट रासायनिक प्रतिक्रिया घटिक तुम कौन सृष्टि हम ना सोडियम सल्फेट सृष्टि हम तक एच सी एल गैस सृष्टि हम एच सी एल गैसटा हूँ कौन पे एच सी एल टा गैस आकार सृष्टि हुए यहीटा को तुम एच सी एल गैस प्रस्तुति आकार भी वर्णना कर पार नमें जहा पढ़ुचे जलीय द्रवण से अम्ल क्षारकर कौन घटे से भी परीक्षा करेणु यही परीक्षा तुम्हें जदि कौन कर जो गैस बाहर आ भितर जदि कैल्शियम क्लोराइड भर्ती कर गार्ड ट्यूब माने ये चारिपटे कैल्शियम क्लोराइड लगी था जो एच सी एल गैस बाहर ता देहरे जो आद्र अंश थी जलीय अंश थी सी कैल्शियम क्लोराइड कौन कर शोषी नब फल आम एथरु जानिपारे जे ये निर्गम नली दे कि केवल शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड सृष्टि वर्तमान ये शुष्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आम परीक्षा करवा कौन परीक्षा करवा ना गोटे लिटमस टेस्ट करवा आधे जो तुम लिटमस पेपर टा को शुष्क अवस्था शुकिला लिटमस पेपर टा को देखेबो तार रंग रे कौनसी परिवर्तन आसीबो नाही नील लिटमस जे देखेबो से नाली हेबो ना मात्र लिटमस पेपर जो टे पानी लगे दब ताकू से एच सी एल गैस बाहर निर्गम नली बाहर पटे देखेबो ता वर्णटा सांगे सांगे लाल वर्ण रे परिणत हो जिवो ता माने एथरु आमे जानले जल संस्पर्श आसिले अम्ल गुड़िक आयोनाइज कर
ଆଉ ସେ ଆୟୋନାଇଜ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଶୁଷ୍କ ହେଲେ ଶୁଷ୍କ ଏସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଟମସ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ। ଲିଟମସ୍ର ତ ଲିଟମସ୍ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲିଟମସ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଶୁଷ୍କ ଅମ୍ଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ଗୁଣଟା ହେଉଛି ସେ ଆୟୋନାଇଜ୍ କଲେ, ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଦେଲେ, ସେମିତି କ୍ଷାରକ ଗୁଣଟା ହେଉଛି ସିଏ ଓଏଚ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ସୃଷ୍ଟି କରିଲେ। ବୁଝିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ତମର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କଣ, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ। ଯେହେତୁ ତମେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ମିଶେଇଛ, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଥିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, କାଢି ନବା ପାଇଁ ଆମକୁ କାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଗାର୍ଡ ଥିବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାଲସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ ତା ଚାରିପଟେ ଲଗା ହେଇଥିବ, ବୋଳା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗୁଡା କଣ ହବ, ଶୋଷି ନବ, ଫଳରେ ଏଇ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ବାଟ ଦେଇକି ତମର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ବାହାରିବ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଷ୍କ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ କାହାର ଦିଗନ୍ତ, ତେଣୁ ଏଇ ଶୁଷ୍କ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ ମୁହଁରେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଟମସ୍ ପେପରଟେ ଦେଖେଇବ, ଶୁଖିଲା ଲିଟମସ୍ ପେପର ଦେଖେଇବ, ତାହେଲେ ତାର ରଙ୍ଗ ନୀଳରୁ ନାଲି ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛେ ଅମ୍ଳ ଲିଟମସ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ନାଲିରୁ ନୀଳକୁ ନୀଳରୁ ନାଲିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଲିଟମସ୍ ପେପରଟାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇଦେବା, ବୁଡ଼େଇକି ସେ ନିର୍ଗମ ନଳୀ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଦେଖେଇବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦ୍ର ଲିଟମସ୍ ପେପର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଷ୍କ ଏଚ୍ସିଏଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅମ୍ଳ ଗୁଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ୍ର କେବଳ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ ସେ ଦେଖେଇବ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆୟୋନାଇଜ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟୋନାଇଜ୍ ସେ ବିନା ଜଳରେ ହେବ ନାହିଁ, ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ହୁଏ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଅମ୍ଳ କଥା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଯେହେତୁ, ଏଇଟା ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଆୟୋନାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଲିଟମସ୍ ନୁହେଁ, ଲିଟମସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଅମ୍ଳ ବା କ୍ଷାରକ ସହିତ, ସେମାନଙ୍କର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ହିଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ତାର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ସେମାନେ ଆୟୋନାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ, ତାହେଲେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏସିଏଲ୍ଟା ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ଦୁଇଟା ଆୟନ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ଦିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କି? ଆରେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନଟା କହିଲେ ତମେ ବୁଝୁଛ ଗୋଟେ ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନର ଯଦି ତମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବ, କାହିଁକି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି? ଏଚ୍ ପ୍ଲସ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏଇଟା ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ କକ୍ଷ ହୁଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ପ୍ରଥମ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗଲା ପରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗଲା ପରେ ରହିଲା ପ୍ରୋଟନ୍ଟେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିପାରିବ କ'ଣ? କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ
प्रकृतरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेतेबेले जलरे द्रवीभूत होउछि तमे प्लस वाटर लेख पेबो जेतेबेले से एच प्लस दउछि तार अर्थ होउछि उदिया एक्जिस्ट करे से जल सहित मिसिकी एस्त्रियो प्लस आकार रहे कारण आर एच प्लस जलर ऑक्सीजन साइड टा होची नेगेटिव गोटे दुटा पोल थाए तार हाइड्रोजन पार्श्व रे बहुत क्षीण पॉजिटिव चार्ज अनुभूत हुए और ऑक्सीजन साइड ऑक्सीजन पटे क्षीण नेगेटिव चार्ज अनुभूत हुए तेणुका नेगेटिव चार्ज टा ए एच प्लस टा को टाणी दिए फल गोटे स्पेसीज आकार सृष्टि होता है द्रवण भितर तेणु आम एच प्लस आयन कहले बुझा कि तार एक्जिस्टेन्स हूँ एच थ्री प्लस बुझिपाल प्लस सी एल माइनस आपको कहते हाइड्रोनियम आयन बुझिपाल देखा क्षारक गुड़ाक सेमती जल द्रवीभूत हेले कौन सृष्टि हुए क्षारक कौन सृष्टि हुए ना सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन दब सेमती कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टा जल द्रवीभूत हेले कैल्शियम टू प्लस आउ हाइड्रोक्साइड माइनस पोटासीयम हाइड्रोक्साइड सेम दब एमती तुम अनेक गुड़िया मुझे तुमको एसीड आउ बेस देवी तार आयोनाइजेसन कर जितकटा एग्जाम्पल दे आतेटा एग्जाम्पल दौर देख ধর আর গোটে এসিড কোজি পিলে আর এসিটিক এসিড লাই লাই দিলে H3CO মাইনাস প্লাস H প্লাস যেটা তুমি H3O প্লাস বল এটা টিকে তোমকে অপরে লাউ দিব তুমি কোথু এটি আছে তো হাইড্রোজেন এ হাইড্রোজেন কাই ভাঙবে কি প্রকৃতরে এটা রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন নয় এইটা হচ্ছে রিপ্লেসেবল হাইড্রোজেন কেন এইটি হি তোমার পোলটা যদি সৃষ্টি হব এই বন্ডটি পোলা এ বন্ড পোলা নয় এটা বহুত স্ট্রং কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডটা কিন্তু অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ডটা হচ্ছে পোলা তেমন ভাঙিলে এটা ভাঙবে তেমন এই হাইড্রোজেনটা আয়োনাইজ করিব বুঝি পারছো সেমতি মনে করে কই অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইয়ে গোটে খেয়ারক ये जदि जलर द्रवीभूत होची एक्चुअली लिखुची माने प्लस वाटर तमे बुझिबो प्लस वाटर पानी से रिएक्शन करती नि अल्युमिनियम सी प्लस तो आउ तीनटा हाइड्रोक्साइड आयन दो है सल्फ्यूरिक एसिड रो आयोनाइज कर परिबो सल्फ्यूरिक एसिड रा आयनाइज टा को दीटा एच प्लस एच थ्री प्लस भी कही परिबो आउ सल्फेट टू माइनस सरला तापर जीवा ताले गोटे अम्ल क्षारक गोटे अम्ल बा गोटे क्षारक जल सहित मिसला बेले
कौन हो सी आयोनाइज कर आयोनाइज कर अम्ल गुण प्रदर्शन कर मन रख जल तुम अम्ल कि क्षारक मिसले से प्रचुर परिमाण ताप उत्पन्न हुए तेणु यह एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया ताप शोषी प्रतिक्रिया नुह तुम इटा को आगुआ कहीदेली यू तुम परीक्षा कर पार प्रकृति अम्ल गुड़िक ताप उत्पादन करती क्षारक गुड़िकाप उत्पादन करप उत्पादी प्रतिक्रिया आपको परीक्षा कर पार गोटे बिकरटे नि 10 मिलीलिटर पानी ता भर रख से बुंदा बुंदा कर सल्फ्यूरिक एसीड ए मिसाओ बिकर को घूरई घूरई मिश्रण टी मिसाई दियो तापर बिकर निम्न अंश को तुम स्पर्श कर देखियो हाथ को गरम लगे सेठी ताप सृष्टि होणु यह एक ताप उत्पादी प्रतिक्रिया तेणु उपरुक्त परीक्षा भाया तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड पिलेट्स मिलूँ बटिका आकार मिलू ताकू नहीं पुनर्वार परीक्षा करी तुम पर्यवेक्षण कर क्षारक गुड़िक जल रे द्रवीभूत हेले से कौन सृष्टि होप सृष्टि हो ताले अम्ल आ क्षारक जल रे द्रवीभूत हवा अति मात्रा रे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया से तुम जो लैबोरेटरी दुकान अच्छी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रखे धर गार्ड अम्ल माने सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि बोतल उपरे ए त्रिभुज भाया वार्निंग चिन्ह दिखाई सावधान संकेत दिखाई कहीं केयरफुली आमको हैंडल करिया को पड़ो ताकू जल तर बहुत असुविधा अच्छी आम से गुड़ा पढ़वानी कौन क्षति कर पक सीधा साल जी आम शरीर संस्पर्श आसे शुणी थी तुम तेणु ये अति मात्रा रे ताप उत्पादन ताकू जल रे मिसेला बेले सावधानता अवलंबन करवा आमर निहाती आवश्यक केमिति जल रे ना जल को अनवरत घाटुवा अवस्था अम्ल को धीरे धीरे जल रे मिसेबा दरकार जदि गाढ़ अम्ल रे जल मिसा जाए तुम तो अम्ल रे जदि जल मिसेब अरे पानी रे क्षीर मिसेबा क्षीर रे पानी मिसेबा एका कथा नुह जमी तुम्हें जदि अम्ल रे जल मिसेल ताहले इते परिमाण रो ताप सृष्टि हम जोड़ा तुम हैंडल कर जो आधार पात्र सेटा ताप अत्यधिक ताप जो कु फाटिकी एणे तेणे छिटकी पड़ो काच पात्र तो फाटबा सेटा बेसी पैसा नुहे अम्ल भी अनेक नष्ट हम सेटा भी बेसी पैसा नुहे किंतु तुम शरीर जदि पड़े अम्ल ताहले से जो क्षत सृष्टि हम से क्षत एते सहजरे भल हम ना गोटे फिजिकल स्किन गोटे डिफर्मेटिज सबुदिन रही तेणु से सब एसीड गुड़ाक कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किनला बेले जो बटिका क्षारक हो कि एसीड सावधान संकेत को सूचित कर जल रे तुम अम्ल मिसेले जल जल को अनवरत घाटुवा अवस्था धीरे धीरे अम्ल कि क्षारक मिसेब मिसेले कौन हम ना प्रकृत आम अम्ल जो आणवा तार गोटे भल्यूम नवा से भल्यूम अम्ल रतटा कणिका थी से गुड़िक जल रे मिसले तार आयन थी तेणु गोटे एकक आयतन जी परिमाण कौन थी अम्ल कि क्षारक थी से अम्ल आ क्षारक गाढ़ता आम कहूने आम गाढ़ता को विभिन्न प्रकार डिस्क्राइब करवा शिखीचे
मन पड़ी मुझे कही मोलारिटी नॉर्मालिटी मोलारिटी एकक आयतन जी परिमाण आयन थी जी मोल थी तार अम्ल कि क्षार कर तार गाढ़ा सूचाए तमें जब पा पा मिसेब कौन हम गाढ़ा कम कमिजी जदि आम तार पढ़ेगा भग्नांश मूल्य कमिजी ये मूल्य भग्नांश कौन प्रकृति गाढ़ता सूचो एकक आय अम्ल कि क्षार कर परिमाण गाढ़ता हाँ सीटा तार गाढ़ता तेनाली पा मिसेब तार गाढ़ता कमिजी गाढ़ता कमिगले आम लघु द्रवण कहचे गाढ़ता अधिक हेल्ले आम कहे गाढ़ द्रवण बुझी पार तेणु जल अम्ल अधिक परिमाण पा मिसेले तार एकक आयतन अम्ल कि क्षार कर आयतन सरी परिमाण कमी जाए ताकू कहती अम्ल कि क्षार कर लघुकरण डायल्यूशन क्षीर को पाया कर क्षीर डायल्यूशन कर नेक्स्ट कितना प्रश्न अच्छी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड इत्यादि जल रे द्रवीभूत हो अम्लीय लक्षण प्रदर्शन करती अल्कोहल इमाने अम्लीय लक्षण प्रदर्शन करती ना कहीं कहीं आयोनाइज करती नुह देख ल सब जगह प्रश्न आसव तुम बही रे अच्छी ये प्रश्न ये प्रश्न गुड़ा को मत की देखेब है कल सेयार करदे ये पांच छटी प्रश्न गोटे धाड़ी दिधाड़ी सब हम तार उत्तर कर नक आम कल आलोचना करवा मत सेयार करदेव आ गोटे जिनस मन रख समस्त क्षारक जल रे द्रवीभूत हुए ना कि अम्ल गुड़ा सब द्रवीभूत हो समस्त क्षारक द्रवीभूत हुए ना जो गुड़ाक जल द्रवीभूत हुए ताकू कौन कहती अल्काली ताकू क्षार बा अल्काली कहती तले क्षार बा अल्काली क्या कहती ना जो क्षारक गुड़िक जल रे द्रवीभूत हो पारती सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये गुड़ाक जल रे द्रव द्रवणीय तेणु ताकू आम कह क्षार अल्काली कह पोटासियम हाइड्रोक्साइड तेणु जी जल रे द्रवीभूत हम ताकू तुम कह अल्काली है साधारणत ग्रुप वन रुजाक एलिमेंट हाइड्रोक्साइड गुड़ाक क्षारक गुड़िक जल रे द्रवीभूत हो अल्काली ग्रुप्स कहते ग्रुप टू ऊपर केतेटा जौगिक ऊपर केतेटा धातुर जौगिक हाइड्रोक्साइड टा जल रे द्रवीभूत हुए से गुडा कौन हम अल्काली अल्काली सृष्टि करिवे बाकी तल गुडा कहबे नाही तेणु तुम वर्तमान तुम पाई काम हला तुमको जेतिकिटा कौन कहि एग्जांपल दिहला ख्यार कर से मानू तुम से पीरियडिक टेबुल पकईदेकि कही पार भितर किए जल रे द्रवणीय किए जल रे द्रवणीय नुहे किए क्षार अल्काली सृष्टि करि पारुछन्ति किंबा अति चालाक भाव में तुम गुगुल सर्च करी से मत लिखिक दब से छटा प्रश्न सहित क्षारक गुड़िक हाथ को साबुन परी लाड़ुआ लगे पाटी को खारिया लगे एगुड़िक क्षयकारी पदार्थ तुम जदि से सोडियम हाइड्रोक्साइड रटिका जदि पकईदब तुम चकी तुम चकी गरम होणा कर जदि गोटे धातु रख तुम आलमीरा रखदब जरी रे से जरी खाई से आलमीरा कणा करदब है से गुडाक चाखबनी खारिया लगे मान नुह चाखब ना सबू क्षारक टेस्ट एका प्रकार
ଯେମିତି ଏସିଡ୍ ଉପରେ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲ? କେତେ ସମୟ ହେଲା, ଟିକେ ୱେଟ କର। ଆଉ ରଖୁଛି ଯେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। लीव लीव मीटिंग।